डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आपकी बोर्ड की कॉपियां किस तरीके से जांच होती हैं और एग्जामिनर किन तीन चीज़ों को देख करके आपको नंबर देता है। जी हाँ, केवल इसलिए कि उनके पास इतना समय रहता नहीं है, काफ़ी तेज़ी से आपकी कॉपियाँ जाँच होती हैं और केवल किन तीन चीज़ों को देख करके आपको नंबर देता है। अगर आपने भी अपने कॉपी में ये तीन चीज़ें की हुई हैं तो समझिए कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चाहे किसी भी बोर्ड की बात करें, कॉपियाँ इसी तरीके से जाँच होती है। सबसे पहली चीज़ हेडिंग। आपको मालूम हुआ कि हेडिंग, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि बैटरी के बारे में बताइए, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट बैटरी, मतलब बैटरी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपने क्या किया, बैटरी ऊपर हेडिंग डाला और आपने तीन चार पेज लिख दिया, लेकिन आपको इससे नंबर नहीं मिलेगा। आपको आपसे बैटरी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई है तो आप क्या लिखेंगे, पहले बैटरी के बारे में लिखेंगे, बैटरी के प्रकार लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे इसके गुण और विशेषताएं लिखेंगे, इसकी लाभ लिखेंगे, इसकी हानियां लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने बैटरी हेडिंग डाली और पता चला कि तीन पेज पांच पेज भर दिए, लेकिन आपको टोटल नंबर, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी एक दो नंबर ही मिलेगा। तो हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज का है आपको जो स्टार्टिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया, मतलब कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया और आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर आपने वही लिखना स्टार्ट कर दिया और एग्जामिनर चेक करेगा, कहेगा ये तो गलत चीजें लिख रहा है, इधर उधर की चीजें लिख रहा है, तो आपको एक नंबर दो नंबर उसी हिसाब से जनरल मार्किंग करते चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो पहले क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पहला क्वेश्चन आपका अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन में देखिए एक विशेष बात है राइटिंग की। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, सपोज कीजिए कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, जैसे दूर दूर लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर पढ़ लेगा। अगर देखिए, अगर आपकी कॉपी जब चेक कर रहा है एग्जामिनर, अगर वो पढ़ ही नहीं पा रहा है सही से कि हाँ बच्चे ने इस कॉपी में क्या लिखा है, तो आपको किस तरीके से नंबर देगा। जाहिर सी बात है, जीरो नंबर, एक नंबर या फिर जीरो नंबर ही देगा। तो आपको पढ़ने आने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा दूर, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। तो राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जैसे कॉपी जब चेक होती है तो राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आप किस तरीके से लिखते हैं। तीसरी चीज़, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैं हर एक वीडियो में भी शायद कहता हूँ, जब भी ये बताता हूँ आपको, तो कि सभी क्वेश्चन आपको किसी भी कंडीशन में अटेम्प्ट जरूर करने हैं। इसलिए कि कभी कभी एग्जामिनर, जैसे कि मान लीजिए कि आपने शुरू के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से किए हैं और लास्ट के क्वेश्चन आपको थोड़ा नहीं आ रहा है, आपने कुछ भी लिख दिया है, तो अगर आपके शुरू के क्वेश्चन अच्छे हैं तो उसी हिसाब से वो जनरल मार्किंग करते करते लास्ट में भी आपको दो तीन नंबर दे के ही जाता है। इसलिए कि काफ़ी आपकी कॉपियाँ जो होती हैं काफ़ी तेज़ी से चेक होती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कॉपियाँ आपकी काफ़ी तेज़ी से चेक होती हैं। तो अगर आपने भी इन तीन चीजों को फॉलो किया है अपने कॉपी में, हेडिंग्स वगैरह, रिप्रेजेंटेशन वगैरह और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो समझिए कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसलिए कि कॉपी आपकी बहुत तेजी से चेक होती है, ऐसा नहीं कि आपका एक एक पैराग्राफ पढ़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपकी कॉपियों की केवल हेडिंग, आपने किस हेडिंग दिया है, अगर हेडिंग दिया है तो जाहिर सी बात है आपको उसके अंदर की कुछ चीजें मालूम ही होंगी। तो अगर आपने अच्छे तरीके से हेडिंग दिया है तो आपकी कॉपियां, आपके मतलब जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे बनते हैं, ऐसे समझिए कि 50 में 35-30 प्लस ही बनते हैं। Thank you.